नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू के पापड़ बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ दो कच्चे आलू से बनाएंगे। आलूओं को बिना उबाले ही बहुत ही कम मेहनत में ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं और उतने ही टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये दो मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। तो पहले हम इन आलूओं को छील लेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों आलूओं को छील करके पानी में डाल दिया है ताकि ये काले नहीं पड़ेंगे। तो अब हम इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, हमने दोनों आलूओं के छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेते हैं और आलू का सारा पानी निकाल कर इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगा करके इसे पीस लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों आलूओं को पीस करके इसका पेस्ट बना लिया है। इसे पीसते टाइम मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है। इसके बाद हम यहाँ पर एक कुकर ले लेंगे। आप कोई भी भारी तले वाला यहाँ पर बर्तन ले सकते हैं और इसे कप से नाप लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 कप ये आलू का पेस्ट बना है। इसी नाप से हम इसमें 3 कप पानी डाल देंगे, यानी कि जितना आलू का पेस्ट है उससे डबल हम इसमें पानी डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। कुकर को गैस पर चढ़ाकर इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। आप देखिए, जैसे जैसे घोल गर्म होने लगेगा गाढ़ा होता जाएगा। बस इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जितना कप आलू का पेस्ट है उससे डबल हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हुए हैं और ये घोल गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। जैसे जैसे ये घोल पकता जाएगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो लगभग हम इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाएगा। आलू को मिक्सी जार में पीसने के बाद आप जल्दी ही इसे उबालने के लिए रख दें, वरना ये काले पड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसमें साबुदाने भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दीजिए और जब आप इस घोल को उबालें उस समय आप साबुदाने भी डाल दीजिए। तो आप देखिए, 10 मिनट में घोल अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो हम इसमें लगभग आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसे लगभग 5 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं इसे उबलते हुए और ये घोल अच्छे से पक चुका है। आप देखिए, इसमें कुछ गुठलियाँ भी रह गई थी, तो इन गुठलियों को हम इस तरीके से चम्मच से दबा कर देख लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई, यानी ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। मिला लेते हैं और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं और घोल भी हल्का सा ठंडा हो गया है और आप देखिए, ठंडा होने के बाद ही गाढ़ा भी होने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और फिर से इसे मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट ले लेंगे और इस पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसमें से 1-1 चम्मच घोल लेकर के इस शीट पर फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे पतली नहीं करेंगे। वैसे इन्हें फैलाने की जरूरत नहीं है, चम्मच से डालने के बाद ये आसानी से फैल जाएगी। तो इस तरीके से एक प्लास्टिक की छोटी शीट पर मैंने कुछ पापड़ फैला करके आपको बता दिए हैं। अब मैं धूप में जाकर के सारे पापड़ फैला दूंगी। तो इस तरीके से बाहर आंगन में हमने सारे पापड़ फैला लिए हैं। अब इसे लगभग 1 दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे और जब ये एक तरफ से हल्के से सूख जाएंगे तब हम इन्हें पलट लेंगे। तो ये लीजिए, आलू के पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सूखने के बाद में कितने पतले दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसमें से मेरी उंगलियां साफ साफ दिख रही है। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे और उसमें से लगभग 50 पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं और बिल्कुल भी फटे नहीं है। इस तरफ कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है।
तो पापड़ को फ्राई कर लेंगे। आप देखिए पापड़ कितने अच्छे से फूल गए हैं। कुछ ही सेकंड में ये पापड़ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस तेल एक बार अच्छे से गर्म होने के बाद, इन्हें फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये लीजिए, हमने पापड़ को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं पापड़ फ्राई होने के बाद साइज में थोड़े बड़े हो गए हैं, यानी कि अच्छे से फूल गए हैं। और आप देखिए कितने पतले बने हैं, बिल्कुल कागज की तरह। आपने देखा कि कितने कम मेहनत में हमारे पापड़ बनकर के तैयार हो जाते हैं। आप भी जल्दी से इस तरीके से आलू को बिना उबाले ही ये पापड़ बनाइए, कुछ ही मिनटों में आपके पापड़ बन जाएंगे। यदि आप अकेले इस पापड़ को बना रहे हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आसानी से बन जाते हैं। तो आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।